हाय, गुड मॉर्निंग. गुड गुड मॉर्निंग मैम. मॉर्निंग, गुड वेरी मॉर्निंग. हैप्पी वेरी गुड गुड मॉर्निंग. मॉर्निंग गुड टू ऑल. मॉर्निंग मैम. आज हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट डे है, बिकॉज टुडे वी विल बी वर्किंग ऑन आवर ड्रीम्स. सो टुडे वी हैव टू सिट विद आवर सेल्व्स एंड वी हैव टू वर्क ऑन आवर ड्रीम्स. आई एम सॉरी, आई वेंट म्यूट. सो वी हैव टू यू नो Write down our dreams. Today it is a written practice. So आज से हमारी written practices शुरू हो जाएंगी और बहुत मजे में लिखना, उसके लिए exclusively time निकालना and be very grateful that you have that time to be doing your practices and joy के साथ और excitement के साथ जब भी कुछ करते हैं तो वो बहुत जल्दी true हो जाता है, ये बात याद रखना. एक होता है burden की तरह करना, वो God सुबह सुबह उठ के ये करना पड़ रहा है, वो करना पड़ रहा है, तो वो फिर doesn't work like that. Okay, so that joy and excitement is the fire. Desire ke liye fire hona bahut zaruri hota hai. So we'll just see. Ye chota sa topic hai. After 28 days, abhi to khair humne 28 days ka first day bhi nahi shuru kiya. Abhi aaj last day, day zero ka hai. So we are still at day zero and today is the last day of day zero. Ab kal se 1, 2, 3, 4 is tarah ke assignments we would be starting. एंड सो ये वाला पर्टिकुलर टॉपिक है ये कि जब 28 असाइनमेंट्स हो जाएंगे उसके बाद क्या करना है. सो नॉट वेरी रेलेवेंट इन राइट नाउ कॉन्टेक्स्ट, बट देन लेट्स जस्ट रीड इट. यस रितु, यू वांटेड टू? यस मैम. या थैंक यू सो मच मैम. फर्स्टली यू कैन अपडेट एवरीवन ऑन योर हेल्थ. आई एम श्योर पीपल मस्ट बी वंडरिंग हाउ आर थिंग्स, हाउ इज इट गोइंग ऑन. या एंड व्हाट आर द प्रैक्टिसेस दैट यू आर डूइंग? मैम जो कुछ भी है आपकी जितनी छाया में मैं कर पा रही हूँ. फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच टू यू एंड ऑल ऑफ यू. आप सब लोगों की प्रेयर्स, ब्लेसिंग्स, विशेस ने मतलब मिरेकल ही हो रहा है मेरी लाइफ में. मैंने अपनी लाइफ में कभी भी विद इन अ वीक 1 kg वेट गेन नहीं किया. लास्ट वीक मैम ने मुझे डाइट दी थी फॉलो करने के लिए और मैंने कल जब अपना वेट चेक किया तो मैंने अगेन अगेन रीचेक किया 3-4 times की इज इट पॉसिबल कि विद इन अ वीक मेरा 1 kg वेट गेन हो गया, जो कभी भी नहीं हुआ. मतलब हार्डली 200 ग्राम 300 ग्राम वेट गेन हो जाता था. तो आपको इनको ये बताना पड़ेगा, ये रिलेट नहीं कर पाएंगे. आधे से ज्यादा लोग वेट लॉस ही करने के चक्कर में रहते हैं. तो रितु करीब 10-15 kg अंडरवेट थे और इन्होंने बहुत कोशिश की ऑल थ्रू दीज इयर्स कि इनका वेट मतलब थोड़ा बहुत भी बढ़ जाए और इट वॉज जस्ट नॉट हैपनिंग. मतलब देर वॉज अ कॉन्स्टेंट बैटल एंड स्ट्रगल फॉर वेट गेन बट इट वॉज नॉट हैपनिंग. वो नॉर्मली होता है जो इनको वो क्यूट सा ट्यूमर जो इनकी बॉडी में डेवलप हो रहा था वो उसके कारण होता है नॉर्मली. तो तब तो हमें पता नहीं था कि ऐसा कुछ है. अब तो इन ये बिल्कुल क्लीन बॉडी हो गई है इनकी, एंड हेल्दी बॉडी हो गई है. तो अब धीरे धीरे ऑफकोर्स वेट गेन होगा. तो ये इनका स्ट्रगल था, इसलिए इतनी एक्साइटेड हैं कि मेरा 1 kg वेट बढ़ गया. बिकॉज इनका 1 kg वेट पता नहीं कितने सालों से बढ़ा नहीं है. सो दैट्स व्हाई शी चेक द वेट अगेन एंड अगेन एंड अगेन. और मैं ओ जब भी खाती हूँ कुछ भी खाना पीना कुछ भी जो रहता है तो प्रेयर्स तो ऑफकोर्स सबसे पहले वो रहती ही है. वो मम्मी ने हमेशा से सिखाया था, थैंकफुल टू गॉड और इसके अलावा यूनिवर्स को, सबको. और जो मैम ने एड ऑन कराई ना 3 चीजें, फार्मर्स, रिटेलर्स, ट्रांसपोर्टर्स, उन सबको, उन सबकी फैमिली को और हर एक वो इंसान जिसकी वजह से मैं मजे से आराम से बैठ के खा पी पा रही हूँ, इतनी लग्जरियस लाइफ जी रही हूँ. मैं सबको और उनकी फैमिली को सबसे पहले दिल से प्रणाम और धन्यवाद बोलती हूँ. और उसके बाद जो है वो अपना वो स्प्रिंकल करती हूँ 100% हैप्पीनेस, 100% हेल्दी बॉडी वेट, इस तरीके से वो स्प्रिंकल करती हूँ. 3-3 times मैं बोलती हूँ उसको. और उसके बाद 100% हैप्पीनेस भी मैं बोलती हूँ, परफेक्ट हेल्थ बोलती हूँ. और लास्ट में बोलती हूँ मैम ने एक वो बोला था, आई एम हैप्पी, होल, हील्ड एंड कम्प्लीट, वो 3-3 times मैं बोलती हूँ. तो मतलब मैं कल टॉप ऑफ द वर्ल्ड थी कि आज मेरा मिरेकल डे है, कि मुझे बहुत ज्यादा मिरेकल हो गया मेरी लाइफ में. तो आई एम सुपर एक्साइटेड. और मुझे ये भी पता है अब ये जो है मैं मेरा पीरियड हर डे मिरेकल वाला ही है. तो बस अब मेरी शेयरिंग स्टार्ट होने वाली है, जल्दी से बहुत सारी शेयर करूंगी मैं सबके साथ. एंड थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू. आज से ही होगी ऋतु की शेयरिंग स्टार्ट. बहुत सारी शेयरिंग करो, तो हम लोग यही चाहते हैं.
खूब खुश रहो, ऐसे हंसते खिलखिलाती रहो हमेशा, खूब खुश। और आपने वो बताया नहीं, आप 108 टाइम्स लिखते हो जो आप मुझे बता रहे थे। यस, टेल एवरीवन नो इट्स नॉट इजी टू राइट 108 टाइम्स ऑन अ डेली बेसिस। यस, वो सबसे पहले तो जो वो आइंस्टाइन सर का मैंने वो पढ़ा था ना, वो 100 टाइम्स ऑफ ग्रेटिट्यूड लिखते हैं आइंस्टाइन सर। ओके, तो मैंने तभी वो 100 टाइम्स ना, पहले मैं सिर्फ वर्बली करती थी, ऐसे ऐसे काउंट करती होती थी, वो मेरे को बहुत इजी रहता था, मजेदार रहता था। मतलब मैं लिफ्ट की वेट कर रही हूँ तो भी, लिफ्ट आ गई तो भी मैं खुश, नहीं आई तो मैं सोचती अरे यार मेरे को तो और ज्यादा चांस मिल गया थैंक यू बोलने का। इनफैक्ट इतना ज्यादा वो बोलने लग गए थे कि मैं मंदिर जाके भी अगर शिवालय पे जल चढ़ा रही हूँ तो ओम नमः शिवाय की जगह मेरे मुंह से थैंक यू ये नहीं करना स्टार्ट हो गया। तो मतलब बट मुझे ऐसा लगा कि यार शिव जी तो और भी खुश हो रहे हैं, कह रहे हैं वाह थैंक यू बोली जा रही है मुझे और ज्यादा, तो इसे और दो। और उसके बाद जो है मैंने मैम से पूछा कि मुझे एक्चुअली में क्या अफर्मेशन लिखनी चाहिए अपनी हेल्थ को लेकर, तो मैम ने मुझे बताया, तो मैं उसको जो है अब लिख रही हूँ, कुछ दिनों से प्रैक्टिस कर रही हूँ। माई बॉडी इज हीलिंग लाइक अ मिरेकल ऑन इट्स ऑन एंड माई हेल्थ इज रेडियंट एंड वाइब्रेंट। ये मिरेकल है, ये अभी सिर्फ ये वाली अफर्मेशन मैंने 4-5 दिन से लिखना शुरू की है और आप देख सकते हैं सब लोग कल एक मिरेकल हो ही चुका है। तो वही रेडियंट और वाइब्रेंट हो रही है मेरी लाइफ कितने मजे से, तो ये लिख रही हूँ मैं, प्रैक्टिस कर रही हूँ। और बिकॉज ऑफ मैम आप सब लोगों का प्यार, जो आप लोगों ने मेरे इतना सारा वो दिन रात मंत्र जप किया है पर्सनली ग्रुप में, सीरियसली हैट्स ऑफ टू ऑल ऑफ यू। Yeah, you're always welcome and enjoy the best of health and contribute to the world. Aisi health ki aap logon ke liye jam ke kaam kar pao apne field apne profession mein jo bhi aap padhai kar rahe ho usko use mein lao. Yeah, bahut badhiya. Chalo padhte hain after the 28 days and thank you so much Ritu for sharing and being such a fighter. Thank you, Ritu. Matlab, really you're a fighter. Thank you Dipti ma'am, thank you so much. Yeah. Dipti, just one second, can I say something? Yeah. अभी जब तुम मृत्यु को बोली थी ना बेटे वो बताओ वो जो 108 आप रोज लिखते हो वो जैसे बच्चे नहीं कहते जब कोई आता है बेटा वो सुना के देखा। नहीं मतलब सब लोग इतना ज्यादा स्ट्रगल करते हैं तो मुझे लगता है कि विक्ट्री से इम्पोर्टेंट होता है कि आपने उसको अचीव कैसे किया। जैसे अगर मुझको कोई स्ट्रगल के साथ, सपोज मैंने कोई कोर्स की किताब लिखी तो इट वॉज नॉट एन ईजी टास्क, यू नो इतनी टेक्निकलिटी इतनी बारीकी से आप लिख रहे हो वो भी पोस्ट ग्रेजुएट के लिए, तो मतलब मैंने क्या क्या टेक्निक्स यूज करी हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होता है दैट आई आज माय सबकॉन्शियस माइंड, आई स्टार्टेड मेडिटेटिंग फॉर 10 मिनट्स, यू नो दिस इज व्हाट आई रोड, दिस वाज माय कांस्टेंट एफर्मेशन, यू नो एंड देन आई गॉट स्टक इन सो मेनी प्लेसेस, फिर किस तरह से यू नो मैंने यूनिवर्स से हेल्प मांगी, किस तरह से मुझे इंस्पिरेशन हंचेस एंड आइडियाज मिले, हाउ आई कुड एक्चुअली गो विद अ स्मूथ फ्लो, हाउ पीपल सपोर्टेड मी फ्रॉम नोवेयर, you know like all those things really make a difference because experience is all about sharing that how I could overcome, you know overcome to sabko karna hi hai isme, to matlab koi do raaye nahi hai, that if you are in the gratitude world you will not see a failure, even that failure happens wo aapki growth ke liye hota hai, jaise koi partner dhoond raha hai unki ek se एक कहीं पे देखते हैं वो लड़का देखने जाते हैं नहीं सेटल होता है वहां पे, लेकिन इमोशनली आप इन्वॉल्व हो जाते हो उस पर्सन के साथ, तो अब आपको उसको नहीं छोड़ा जा रहा है ठीक है, लेकिन फिर भी दैट पर्सन डज नॉट बिहेव राइट विथ यू, उस वक्त आपको लगता है दैट व्हाई इज इट नॉट यू नो लाइक कल्मिनेटिंग और ये कंक्लूड क्यों नहीं हो रही हमारी अच्छे से रिलेशनशिप, इमिजिएटली आपको कोई और मिलता है जो एक्चुअली आपका ड्रीम पर्सन है, हु मेक यू फील सो लव्ड एंड सो स्पेशल एंड इज एग्जैक्टली द पर्सन यू वर लुकिंग फॉर, you know, and then फिर पता लगता है कि अच्छा वो first person why it didn't work out with that person, so this is how universe works, so इसीलिए there are no failures, so if you are in gratitude failures are also a step ahead, you know it's a propelling or it's pushing us, they are the pushers to put us on the next step, you know, so it works like that, तो victory तो 101% होनी है इसमें तो कोई doubt ही नहीं है, मतलब अगर आपने कुछ यूनिवर्स को दे दिया है यू नो काम करने के लिए इट्स ऑलरेडी एट वर्क, बट व्हाट वर द प्रैक्टिसेस दैट वी डिड दैट्स व्हाट इंस्पायर्स दैट आई वाज इन द डेप्थ ऑफ माय लाइफ एंड स्टिल आई लीन्ड ऑन ग्रैटिट्यूड आई डिड दिस आई डिड दैट,
And then when Ritu had told me, because of her health, I'm constantly like in touch with her. So, you know, like just kind of, so then she had mentioned that she's doing that 108 times. So I thought that that was a big deal actually. Hai na? So, aur hospital wala dance sabse acha tha. I shared in my Buddhism group. I like when sabko bataya, because we also chanted for her, and they were also like ki, like because bahut hi miraculous hai na. She, the next day she was like in the normal room. I see. हाँ मतलब वो मतलब operation theater में जाने के पहले नाचते गाते गई थी. कौन नाचते गाते जाता है से operation के लिए. मुझे ऐसे ही लग रहा है कि मैं वेकेशन पे हूँ यहाँ पे. सो एंड डांस नाच गाना करके और वो फूल पत्ती बाहर दिखा के जो इसके विंडो से दिख रही थी, तो एक्चुअली लुक लाइक अ रिजॉर्ट एंड अ वेकेशन. हाँ जी रितु, लेट्स रीड इट. After the 28 days, once you have completed the 28 magical practices, you can use particular practice to increase the magic fear, or when you have a specific need, such as poor health or money, or if you want to receive your dream job, have increased success in your work, or improve a relationship. Or to be continue the practice of gratitude, you can open this book at random, and whichever practice you open to is the one you attracted. So it's the perfect one to do that day. At the end of the 28 magical practices, there are also recommendations of practices you can use in combination, which will accelerate the magic in specific areas of your life. Can you overdo gratitude? Never can your life become too magical. Hardly use the practices. Ritu, dobara pad lo yahan se. Can you overdo gratitude? Never can you overdo gratitude? Never can your life become too magical. Hardly use the practices over and over, so that gratitude seeps into your conscious and becomes second nature to you. After 28 days, you will have rewired your brain and implanted gratitude in your subconscious mind, where it is automatically the first thing that comes to your mind is in any solution. Sorry. Where it is automatically the first thing that comes to your mind in any situation. The magic you experience will be your inspiration, because as you incorporate gratitude into your days, they will be nothing short of spectacular. Spectacular, yes. Life will be spectacular and miraculous. So, isme ye hai that ajab 20, abhi to 28 chapters mein, we will be going exactly as per book says. Jis din health ka hai, us din health karenge. Jis din money kya hai, us din money karenge. Jis din parents ka hai, us din parents ka karenge. Jis mein jaise jaise hai, work ka hai, to us din work ka hum karenge. To is tarah se chalega. And after 28 days, phir uske baad hum specific areas apne life ka choose karenge, jahan pe thodi deficiency hai ya kahin pe breakdown hai, aur jahan aapko magic leke aana hai. Theek hai, jaise agar money ki area mein aapko abhi bhi lag raha hai that I need to do a little more, तो वो जो मनी वाली बुक के एंड में सारा लिखा हुआ है कि अगर आपको पैसे का है तो ये वाली प्रैक्टिसेस करो. अगर आपको हेल्थ का चैलेंज आ रहा है तो ये वाली और ये वाली करो. तो पूरी लिस्ट दी हुई है, वो हम डाल भी देंगे ग्रुप पे कभी बुक में से ही फोटो खींच के, दैट कौन कौन सी प्रैक्टिसेस करनी है. अगर स्पेसिफिक रिलेशनशिप में इशू आ रहा है तो रिलेशनशिप वाली प्रैक्टिसेस करनी होती है. तो बस यही बताया हुआ है. और मुझे सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो मेरा लाइफ लॉन्ग एक्सपीरियंस है कि कभी भी अगर आपने कोई सेल्फ हेल्प बुक खोली हुई है या कोई भी ऐसी बुक खोली हुई है, जैसे हमारी बुद्धिज्म में गोशो होती है,
तो वो आप जो पेज रैंडमली खोलोगे ना उसमें आपके लिए मैसेज होता है. आप जो बुक खोलोगे उसमें दे यू विल योर आईज विल टेक यू देयर जहां पे आपके लिए यूनिवर्स कम्युनिकेट कर रहा है. ठीक है. सो इसीलिए इस बुक में भी अगर आपको लगता है कभी भी ये बुक कभी आप लो फील कर रहे हो, इस बुक में से रैंडम पहले तो इसकी हार्ड कॉपीज आप सब लोग ऑर्डर कर दो. इट्स नॉट वेरी एक्सपेंसिव. आई डोंट नो हाउ मच, इफ एनीवन नोस हाउ मच इज इट कॉस्टिंग ऑन अमेज़न मैजिक बुक की. I'll check Kriti. मैंने मेरे पास है मैं बताऊँ. हाँ बताओ. हम I think around 300. It's 300. So ये 300 हमारी बहुत बड़ी investment होगी life long. ठीक है. Because कई बार होता है that we may need to go back and open a page at random. और open a page at random करते हो जब intention के साथ में that universe I'm really seeking for help and support. I want to change this situation in my life. ये कह के आप कोई सा भी पेज खोल दो, उस पेज में जो इंफॉर्मेशन होगी वो आपके लिए होगी. ठीक है. सो दिस इज ऑल्सो हाउ इट वर्क्स. दिस इज हाउ इट वर्क्स फॉर मी. आई मीन लाइक जब भी कोई भी ऐसी बुक होती है या सेल्फ हेल्प की या इवन इफ इट इज लाइक सिंस आई हैव रेड सो मेनी बुक्स सो मेनी टाइम्स तो मुझे लगता है कि अब इसमें से मैं कौन सा चैप्टर पढ़ूं विच विल अप्लाई टू माई करेंट सिचुएशन. एंड एकदम से अब्रप्टली वही पेज खुलता है और उसमें मेरे लिए माई आईज गो देयर जहां पे मेरे लिए कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन होती है. ठीक है. सो यू कैन डू दैट ऑल्सो. रॉन्डा बर्न ने ये भी ऑप्शन दिया हुआ है हमको कि हम ऐसे भी कर सकते हैं और मैजिक इस तरह से एक्सेलरेट होता रहेगा. सो दिस इज वॉट इट इज. ये 28. सो इसमें ये होता है दैट ये पूरी जो जर्नी है ये स्टेप बाय स्टेप चलती है टू रिवायर आवर ब्रेन. और रिवायरिंग के हमेशा स्टेप्स होते हैं. जब हमारे घर में भी सपोज अगर कोई आपको अपने वायर्स चेंज करने हैं, इलेक्ट्रिकल वायर्स की बात कर रही हूँ, इलेक्ट्रिकल सर्किट में कुछ अगर ब्रेकडाउन आ रहा है, आपको किसी ने बोला है इसकी वायरिंग दोबारा करनी पड़ेगी, तो उसका हमेशा मेन प्लग होता है, मेन बोर्ड होता है, इलेक्ट्रिक बोर्ड है ना. वहां से जाके वहां मेन एमसीबी होती है, उससे घर की तरफ एमसीबी आती है जो हमारे घर के अंदर इंस्टॉल्ड होती है. वहां से वायर्स पूरे घर में डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं. तो हमेशा मतलब देयर इज अ प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप वायर करने का. तो जब भी वायरिंग होती है तो वो स्टेप नंबर वन सबसे पहले करना पड़ेगा आपको. मतलब जाके बिल्कुल जो मेन बोर्ड है जो जनरली बाहर की साइड लगा होता है वहां पे जाके वहां से करना होता है. उसके बाद वो घर पे होता है काम. घर पे भी कहाँ से तार निकल रही है और कहाँ तक जा रही है इस तरह से होता है. सो इसी तरह से हमारे कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड की वायरिंग हो रही है और रीवायरिंग हो रही है. वायरिंग वर्ड क्यों नहीं यूज किया है? बिकॉज हमने वायरिंग पता नहीं पिछले जन्म में बचपन में ऑल दीज 30, 40, 50 इयर्स जो हमने जिए हैं अपनी जिंदगी के, ये वायरिंग ऑलरेडी हो चुकी थी. लेकिन ये फॉल्टी वायरिंग थी ना ऑब्वियसली. इसकी वजह से बहुत ब्रेकडाउन हमारी जिंदगी में हमको देखने को मिल रहे थे, है ना. पैसे के चक्कर में, रिलेशनशिप के चक्कर में, हेल्थ इश्यूज, करियर शायद उस तरह से मतलब स्ट्रगल आया जो भी है. तो वो वायरिंग तो हो गई थी और वो अपने आप हो गई थी. वी डिडंट इवन नो हाउ इट वाज डन, यू नो, लाइक वी डिडंट इवन नो दैट हम लोग परमानेंट अपना कुछ करते जा रहे हैं दिमाग में. उस वक्त हमको ये साइंस ये सब पता ही नहीं था. हमको बस यही लगता था कि उस पर्सन ने हमारे साथ मिसबिहेव किया है तो हमारा उसके प्रति एंग्स्ट हो गया और वो डिपॉजिट हो गया हमारे माइंड में परमानेंटली. और उसके बाद से आपने उस पर्सन की बारे में और उसके बारे में जब विचार आएगा तो वो बुरा ही आएगा क्योंकि आपने 10 साल उसके साथ स्ट्रगल किया और बहुत मुश्किल हुई आपको और उसका रिश्ता बहुत खराब है आपके साथ, है ना. तो अब वो वायरिंग स्टैब्लिश हो गई. अब उस पर्टिकुलर रिलेशनशिप की वजह से दैट इज कलरिंग ऑल दी अदर रिलेशनशिप्स इन योर लाइफ. सब में उसका आप कहीं पे ट्रेसेस देखोगे. ठीक है. तो इस तरह से वो वायरिंग तो हो गई थी हमारी जब हमको पता नहीं था. और वो मेन वायरिंग हमारी बचपन में एंड पिछले जन्म मतलब लास्ट पास्ट लाइफ टाइम्स बिकॉज योर सोल योर सबकॉन्शियस माइंड इज ट्रैवलिंग फ्रॉम बॉडी टू बॉडी. हर जन्म में वो नई बॉडी लेके आता है फिर वो चला जाता है तो हमें पता नहीं है ना वो सारा. इसीलिए रीवायरिंग वर्ड यूज किया है कि वो वायरिंग तो देखो गड़बड़ी थी शायद. कहीं कुछ कुछ ब्रेकडाउन हो रहे थे नहीं थे. कई लोगों की वायरिंग बहुत अच्छी भी होती है जिनकी जिंदगी में सब होता है. हेल्थ बहुत बढ़िया, बहुत पैसा, बहुत प्यार करने वाले लोग, पूरी फ्रीडम है, पूरा सब कुछ है, सेल्फ कॉन्फिडेंस है, गुड कम्युनिकेशन स्किल्स है, यू नो, हेल्थ बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छे रिश्ते हैं सारे. तो कई लोगों का ऐसा भी होता है. बिजनेस भी बहुत अच्छा चल रहा है, सब चल रहा है. ठीक है. तो उनकी वायरिंग इसका मतलब ठीक हुई हुई थी. उनके सारे एक्सपीरियंसेस पता नहीं कितने पास लाइफ टाइम्स के और इस लाइफ टाइम का उनका बहुत अच्छा हुआ हुआ था.
ठीक है, लेकिन अगर आपको कहीं पे भी ट्विस्ट एंड टर्न लगता है लाइफ में और कोई भी ऐसी चीज आपको दिखती है विच इज नॉट अप टू योर लाइकिंग एंड इट्स नॉट समथिंग दैट यू वुड लाइक टू सी, देन यू नीड टू रीवायर द होल थिंग. एंड देन रीवायरिंग, इसीलिए रीवायरिंग हो रही है और ये बहुत मोल्डेबल होता है हमारा सबकॉन्शियस माइंड. ठीक है, सबसे अच्छी बात यह है इट्स वेरी फ्लूइड. ठीक है, वो सारी चीजें सॉलिडिफाई हो गई थी, वो वापस हम उसको फ्लूइड में कन्वर्ट करके परमानेंटली अपने सबकॉन्शियस से निकाल देंगे बाय पुटिंग न्यू थिंग. सो जैसे मनी का अगर है कि मनी बहुत मेहनत से आता है, मनी के लिए बहुत पैसे मतलब बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत स्ट्रगल है मेरी जिंदगी में, यू नो मतलब 16 घंटे काम करता हूँ तो फिर मेरे पास पैसा आता है. और मनी का माइंडसेट में भी अबंडेंस का माइंडसेट ही नहीं, अभी भी आप हजारों और लाखों में ही सोच रहे हो, आपने करोड़ की तरफ सोचा भी नहीं है. तो इसका मतलब है वो लैक इन डेफिशिएंसी का है ना वायरिंग. तो अब हम उसको चेंज करेंगे. अब हम जैसे ही ग्रैटिट्यूड के जोन में जाएंगे और अलग अलग सेगमेंट्स ऑफ योर लाइफ के लिए जब ग्रैटिट्यूड करेंगे तो हमारी इसकी रीवायरिंग हो जाएगी. और अब वाली जो वायरिंग है ना, आप उसके बाद अपनी जिंदगी में असर देखना, आपको सब कुछ बदला बदला नजर आ जाएगा. मतलब बिकॉज आप ही बदल गए हो, आपके नजरिया जिंदगी को देखने का बदल गया है. एंड वट एवर यू आर सीइंग, यू नो यू आर सीइंग इन अ वेरी डिफरेंट पर्सपेक्टिव. You know, like you will see the same person who, you know, harassed you so much and you had a lot of angst against that person in your head. Ab aap us person ke bare mein sochoge to aapko hatred nahi aayegi, aapko bilkul nahi aayegi, aapko compassion aayega ki matlab how much they must be suffering na, wo koi kisi ko suffering de raha hai to socho wo kitna suffer kar raha hai, uski zindagi mein wo bhara pada hai thoons thoons ke, tabhi to uski zindagi se suffering bahar nikal rahi hai na. So इस तरह से फिर आपको एक हायर पिक्चर, लाइफ ऑलवेज हैव अ बिगर पर्पस, लाइफ ऑलवेज हैव अ बिग पिक्चर, यू नो लाइक सो दैट इज व्हाट आपका पूरा वो मैग्नानिमिटी ऑफ लाइफ को आप अच्छे से देख पाओगे. अभी शायद आपने ऐसे वो हॉर्सेस के ब्लाइंडर्स लगते हैं ना, तो हम ब्लाइंडर्स लगे हुए हैं, हम ब्रॉड पर्सपेक्टिव नहीं देखते, वही हजारों लाखों रुपए, वही वैसा वाला, नहीं दिस पर्सन इज लाइक दैट. सो हमारी कूप्ड अप मेंटालिटी है जो हम बहुत ब्रॉडन करेंगे. तो ये चैप्टर्स इस तरह से दे आर मेंट दैट यू हैव टू गो ऑन स्टेप वन एंड देन यू हैव टू गो ऑन स्टेप टू एंड थ्री एंड फोर एंड फाइव एंड दैट इज हाउ द प्रोग्रेस. यू कैनॉट डू चैप्टर फाइव द फर्स्ट, इवन इफ यू आर यू हैव अ लॉट ऑफ यू नो वट एवर चैलेंजेस विथ मनी और समथिंग एंड आपको लग रहा है चलो मैं चैप्टर फाइव मनी मैग्नेट है तो मैं वो कर ले, मैजिक मनी है तो मैं वो कर लेती हूँ, नो यू कांट, यू हैव टू स्केल द फर्स्ट फोर चैप्टर्स. ये चार सीढ़ी पे चढ़ के ये आपको पांचवे सीढ़ी पे चलना है. नहीं तो क्या होता है, अगर आप ग्राउंड फ्लोर से फिफ्थ सीढ़ी पे जाओगे, फिफ्थ स्टेप लोगे, व्हाट विल हैपन, एक्सीडेंट, राइट? सो दैट इज नॉट द राइट वे टू डू इट. And that is what. And in this journey, once again, I beg of you, अभी हम ड्रीम लिस्ट वाला बनाने जा रहे हैं. आज हमको हमारा असाइनमेंट वो है कि हमको अपनी ड्रीम लिस्ट बनानी है. अपनी 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 I me myself. Not पति की, not this. कल मैं और सुनीता बात कर रहे थे तो हम यही कर रहे थे. So she was also telling me this only that उसको भी उसके mentor ने यही बोला था. That you know, खुद की तो गाड़ी अभी संभल नहीं रही है, कभी इधर ठोक रहे हो, कभी उधर ठोक रहे हो, कभी इधर, कभी उसमें डेंट पड़ रहा है, you know, फिर वापस रोड पे आ रहे हो, फिर ठीक ठीक चलते हो, फिर से वो थोड़ा इधर उधर जाती है. तो पहले अपनी गाड़ी ठीक से चला लो जिंदगी की, उसके बाद लोगों की गाड़ी को, मतलब फिर आप किसी की भी कार चला सकते हो, फिर आप अपने पति की, अपने बच्चों की, सबकी कार चला सकते हो. ठीक है, लेकिन पहले अपनी कार बहुत अच्छे से, अगर आप उस स्टेज पे पहुंच गए हो कि आप स्टम्बल नहीं होते हो या स्टम्बल होते हो तो आपको एग्जैक्टली पता है कि दिस इज व्हाट आई नीड टू डू इमिजिएटली विदाउट स्पीकिंग एनी दिस थिंग वर्ड्स और विदाउट. तो जब आप उस लेवल पे आ जाते हो अब आप करना शुरू करो आराम से. अब आपकी ड्रीम लिस्ट में कोई और भी हो सकता है ना. लेकिन जब तक आप अपना अपने आप को संभाल नहीं लेते हो ना, तब तक कुछ नहीं होने वाला. दैट फायर इन योर ड्रीम कैन ओनली कम यू नो इन योर लाइफ, यू आर द क्रिएटर. नहीं तो कॉन्फ्लिक्टिंग होते हैं ना, जैसे आपने चाहा कि ये हो जाए, यू नो लाइक मेरे बच्चे का एडमिशन UCLA में हो जाए, और वो बच्चा उसके दिमाग में चल रहा है कि मैं UCLA या उस यूनिवर्सिटी या हार्वर्ड में जा सकता हूँ, और वो हाँ मेरे फ्रेंड्स बोल रहे हैं हार्वर्ड में, उसके दिमाग में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है.
तो इसीलिए जब हमने नित्य शांति जी का कोर्स किया था, नित्य शांति के कोर्स किए थे, तो वहां पे हमको स्ट्रिक्टली बताया था कि फ्री विल बहुत जरूरी होती है, किसी के दिमाग में घुस के उनकी बात लेके यू नो लाइक उस तरह से मत करो। जैसे अगर कोई ए पर्सन है, राम है, वो सीता से प्यार करते हैं, मतलब ओके लेट मी टेक सम अदर नेम, सो सपोज कोई रामचरण इंसान है एंड वो प्यार करते हैं किसी और से जिसका नाम है रीता, ठीक है, तो वो रामचरण रीता से प्यार करते हैं, रीता किसी और से करती है। अब ये पर्सन पूरा जोर लगा लगा के रीता को अपनी लाइफ में लेने की कोशिश कर रहे हैं, रीता किसी और से प्यार करती है, यू कैन डू दैट ना, मतलब उनकी बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, वो दोनों सोलमेट्स हैं, उनको रहने दो। आपको क्या चाहिए रिलेशनशिप से? आपको बहुत प्यारी सी लड़की चाहिए, ठीक है, आपको बहुत प्यार चाहिए, आपको बहुत फुलफिलिंग रिलेशनशिप चाहिए, आपको ऐसी लड़की चाहिए जो आप आपके पेरेंट्स की बहुत इज्जत करे और सब घर में यू नो एक यूनिट की तरह रहे विद लव एंड सपोर्ट। सो दैट इज व्हाट वी नीड टू आस्क फॉर। सो वी कैन नॉट आस्क फॉर रीता अगर उसकी फ्री विल नहीं है तो, क्योंकि ऑब्वियसली उसकी फ्री विल नहीं है ना। तो सिमिलरली ऐसे ही होता है, देखो अगर अगर हस्बैंड्स के, मान लो आप अपने हस्बैंड के लिए कोई वर्क मैनिफेस्ट कर रहे हो, आपको पता है कि उनको ये चाहिए और आप इस जोन में हो और आपको पता है आपने अपनी जिंदगी की गाड़ी का स्टेयरिंग व्हील टाइट पकड़ रखा है और आपको पता है मैं तो इसको जहां चाहूं वहां ले जा सकती हूँ, मेरे पास अब वो पावर है। और ऐसा होता भी है ना कि हमारे पास वो पावर आ जाती है कि हम अपनी जिंदगी को उस डायरेक्शन में स्टेयर करते हैं जहां पे वी वॉन्टेड टू गो। ओके, सो अब पता नहीं है ना, कॉन्फ्लिक्टिंग इमोशंस किसी और के आते हैं, मतलब हो सकता है हस्बैंड को कुछ और हो, उसको डेफिशिएंसी हो, उसकी लैक मेंटालिटी हो, सो इट रियली डजंट मैटर ना, लेट दैट पर्सन बी इन द सेशंस एंड लिसन एंड फॉलो ऑल दिस। ओके, ये बहुत जरूरी होता है, इसीलिए प्लीज अपने ड्रीम्स लिखना। मैंने जो कल बात बताई थी मैं रिपीट कर रही हूँ, अपने आप को आइसोलेट करो एज एन इंडिविजुअल। व्हाट इज योर आइडेंटिटी? यू आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन इन योर लाइफ, वर्क ऑन योर सेल्फ। अगर हमारी खुशियां पूरे टाइम एनवायरमेंट से डिराइव्ड है कि मेरे बच्चे का रैंक अगर 99% आ गए तो मैं खुश हूँ, अरे कल को 70 आ जाएगा तो फिर आप तो दुखी, और दुखी मीन्स वो बीमारियों के रूप में आ जाता है टेंशन, इजंट इट? सो अगर आप यू नो लाइक आई रियली अर्ज यू टू रीड प्रियंका चोपड़ा की जो अनफिनिश्ड बुक है, मैं देखती हूँ अगर मेरे पास वो उसमें है यू नो टेलीग्राम ग्रुप पे, अगर वो इस पे आ सकती है, ऑडियो बुक है, एंड उसमें बहुत क्लियरली उन्होंने बताया है कि स्टेशन ए से स्टेशन बी यानी कि जीने से मरने तक आपकी जिंदगी में आपका कौन साथी है, आपको बस अकेले, बाकी सब आते जाते रहेंगे। पेरेंट्स पहले से थे, उनकी उनका ए स्टेशन बहुत पहले से शुरू हुआ था, हो सकता है उनका स्टेशन आपके पहले खत्म हो जाए, ठीक है, तो दे माइट नॉट बी देयर मे बी आफ्टर 15, 20, 30, 40 ईयर्स। सिमिलरली एवरी पर्सन इन योर लाइफ विल नॉट, बच्चे आपकी जिंदगी में बहुत बाद में आए, आप उसके पहले ऑलरेडी 20, 25, 30 साल जी चुके थे, है ना, वो उसके बाद आए, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, नो डाउट अबाउट इट, बट यू नो दे हैव देयर ओन लाइफ, यू कैन होल्ड ऑन टू पीपल, सेट देम फ्री, जो हमने पढ़ा था पावर बुक में, लव इज फ्रीडम, ओके, लव इज नॉट बाउंडेशन। नाउ अगर आपकी हैप्पीनेस किसी और की वजह से डिसाइड हो रही है तो हम हमेशा दुखी रहेंगे, क्योंकि उस पर्सन का कुछ मतलब कुछ ऐसा है कि अगर वो कुछ करें जो आपको नहीं पसंद है, अरे ये आपकी प्रॉब्लम है ना कि आपको ये नहीं पसंद आ रहा, वो पर्सन वो करके बहुत खुश है, ठीक है, जैसे व्हाटएवर इट इज, ठीक है। सो इसलिए बहुत जरूरी है दैट प्लीज फोकस ऑन योर ड्रीम्स, योर ड्रीम्स, you, there are three very important people in your life, I, me, myself, okay, when this becomes like that, you derive that power, apni zindagi ki gaadi sambhal lo, theek hai, uske baad sab ki gaadi chalana shuru kar do, koi dikkat nahi hai, so do that, because aaj dreamless ka hai, isliye main wapas bata rahi hu, maine kal bataya tha na, magic wand bhi jo aap dusre mein karte ho, usme bhi aapko apne aap ko involve karna hota hai, ki wo person aapko bata raha hai, that this is what you need to do. So focus on your life, you know, isolate yourself and think that where am I standing? Is my health perfect? Haan, perfect hai, lekin ye do problems hai, theek hai? Wo aap dream list mein daalo, okay. Now, do I really love to travel? What countries would I like to travel? Italy, Spain, okay, put that in your dream list. Obviously, aap kisi na kisi ke saath to jaoge hi na, ye to bahut achha hai, wo to family project hi hoga aapka, ya jo bhi jis bhi tarah se aapko parents ko le jana hai, theek hai, fir teesre pe jao.
क्या आप जो भी ब्रांड्स और बैग्स इन कपड़े आपके हैं, अगर बाकी लोग आपकी जिंदगी में नहीं होते, आप क्या अफोर्ड कर पाते वो वाले ब्रांड्स, वो 2 लाख रुपए का बैग और ये वाले शूज? यस, गो हेड, ठीक है? नहीं, पुट इट इन योर ड्रीम लिस्ट. ओके, करियर गोल्स क्या है आपको? कितना स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ मनी आप हर महीने रिसीव करते हो? क्या वो इनफ है कि आप बहुत लग्जरी के साथ रह सकते हो? नहीं है, नहीं, आपको और पैसा चाहिए, पुट इट इन योर ड्रीम लिस्ट. ठीक है, तो है, ठीक है, पति का पैसा आ रहा है, आपको पेरेंट्स भी, इन लॉज पैसे दे रहे हैं, आपके अपने पेरेंट्स भी पैसे दे रहे हैं, ऑल दैट इज ओके. ओके, बट वॉट आर यू डूइंग अबाउट इट? वेयर डज योर लाइफ स्टैंड एज ऑफ टूडे? ओके, आर यू अवेरी दिस थिंग कि आप मतलब स्ट्रॉन्ग पर्सन हो, करेज है आप में कुछ चीजें करने का, अननोन जोन में वेंचर करने का? आपका बॉडी वेट कितना है? ज्यादा है, पुट इट इन योर ड्रीम लिस्ट. ज्यादा है तो उसको कम करो. ठीक है, आपको लग रहा है बहुत टायर्स हो रहे हैं बॉडी पे और फ्लैबी हो रहा है, ये पुट इट इन योर ड्रीम लिस्ट. आपके एल्बोज में स्पॉन्डिलाइटिस या नी पेन या कहीं पे जॉइंट पेन्स, मसल्स में प्रॉब्लम है कहीं है, पुट इट इन योर ड्रीम लिस्ट. दैट्स योर लाइफ. वेन यू हैव ओवरकम ऑल ऑफ दिस, ओके, देन यू कैन, दैट मीन्स दैट यू आर इन दैट वर्ल्ड. एंड नाउ ये जो पैराग्राफ लिखा हुआ है, दैट यू हैव इम्प्लांटेड ग्रैटिट्यूड इन योर सबकॉन्शियस माइंड एंड योर ब्रेन इज रिवायर्ड नाउ. नाउ यू स्टार्ट वर्किंग ऑन अदर्स ऑल्सो. अब लोगों की गाड़ियां संभालो आप, फिर अपने पति की कार चलाओ बहुत अच्छे से, अब आप अपने बच्चों की कार बहुत अच्छे से चलाओ, क्योंकि अब आप इस जोन में आ गए हो जहां पे आपने अपनी पूरी ब्रेन, मतलब सारी चीजें, पूरा ब्रेन रिवायर कर लिया है. एंड नाउ यू हैव कम टू दैट लेवल वेयर ग्रैटिट्यूड इज ऑटोमेटिकली द फर्स्ट थिंग दैट कम्स टू योर माइंड इन एनी सिचुएशन. जब वो स्टेज पे आ जाएंगे, व्हाई डू यू थिंक दैट इवन आफ्टर 3 years एंड 3 months आई एम कॉन्स्टेंटली डूइंग दिस बुक? दूसरी बुक हम चेंज करते रहते हैं, सबकॉन्शियस माइंड वाली, कभी पावर की, कभी सुपर एक्सेलरेटेड लिविंग करी, वो सारी हम चेंज करते रहते हैं, बट हम फर्स्ट बुक कभी नहीं चेंज करते मैजिक, क्योंकि हमारी रिवायरिंग अभी भी नहीं हो रही है. अभी मेरे ख्याल से 10% हुई है, 20% हुई है, उतने सारी, और ये होती जाएगी, बिकॉज ग्रोथ, लर्निंग, एक्सपेंशन इज योर एंडलेस प्रोजेक्ट. ठीक है, तो जब तक ये होती नहीं है तब तक हम लगातार ये बुक पढ़ते हैं. एंड दैट इज हाउ वी हैव टू बिकम. These are the kind of people we need to become to have a beautiful life, है ना? और इसमें लिखा हुआ है कि जब आप ऐसे इंसान बन जाओगे, जब gratitude को आप incorporate कर लोगे into your days, into every day, everything, you know, as I mentioned, even if you're chopping a vegetable, for the thank you for the knife and thank you for the vegetable, thank you to the farmers who've grown, thank you to the transporters who've carried this, thank you to all the retail vendors who sell the vegetables to us. So agar itna zyada rewire us extent tak ho jayega, now your life will be nothing short of spectacular. And spectacular is a strong word, it's a powerful word. Humko powerful words bhi bolne sikhaye the power book mein, ki use these words more, because words make your world. Okay, so your words make your world. So use these words: brilliant, amazing, awesome, spectacular, magnificent, you know. So all these words more and more, so they become your identity gradually. Hanji, Ritu. What are your dreams? Many of the magical practices are designed to help you achieve your dreams. Therefore, you need to get clear about what you really want. Sit down with a computer or pen and paper and make a list of what you really want in every area of your life. Think through every detail of what you want to be, do, or have in your life, in your relationships, career, finances, health, and every area that is important to you. You can be as specific and detailed as you like, but remember, your job is simply to list what you want, not how you are going to get what you want. The how will be done for you when gratitude works its magic. If you want a better job or your dream job, then think about everything you want the job to be. Think about the things that are important to you, such as the type of work you want to do, how you want to feel in your job, the type of company you want to work for, the kind of people you want to work with, the hours you want to work, where you want your job to be, and the salary you want to receive. Get very clear about what you want in the job by thinking it through thoroughly and writing all the details down.
if you want money to educate your children, work out the details of their education, including which school you want your children to attend, the cost of the school fees, books, food, clothing, and transportation, so that you know exactly how much money you will need. See, इसमें भी ये लिखा हुआ है ना कि आप डिसाइड नहीं कर रहे हो कि उनको कौन सा स्कूल और कॉलेज चाहिए, आप ये डिसाइड कर रहे हो कि मुझे पैसा चाहिए अपने बच्चे की एजुकेशन के लिए, तो मैं बैठ के सारा कैलकुलेट करूंगी कि उसकी ट्रांसपोर्टेशन इतनी है, उसकी ट्यूशन फीस स्कूल की इतनी है, उसका बिल्डिंग फंड इतना है जो आपको देना होगा, उसके बुक्स की रफली इतनी कॉस्ट आएगी, फूड एंड क्लोथिंग उसका इतना कॉस्ट करेगा, उसका ट्रांसपोर्टेशन इतना कॉस्ट करेगा, तो मैं वो पैसा मैनिफेस्ट कर रही हूँ, वो मेरी ड्रीम लिस्ट में है, दैट आई वॉन्ट 2 lakhs एक्स्ट्रा मनी एवरी मंथ फॉर माई चाइल्ड एजुकेशन आई वॉन्ट. ओके, दैट इज हाउ इट इज. सो इसमें नहीं लिखा हुआ है कि आपके बच्चे को कैसा कॉलेज चाहिए, आपके बच्चे को कैसे स्कूल चाहिए, उसको यू नो किस उसमें जाना है, उसको कौन सी लैंग्वेज सीखनी है, उसको कौन सी लैंग्वेज सीखनी है. ठीक है, ये पेरेंट्स नहीं डिसाइड कर सकते. बच्चों की फ्री विल को ऑनर करना बहुत जरूरी है, नहीं तो बच्चे लो कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, उनको पता लगता है कि मतलब हमारी बात की कोई वैल्यू ही नहीं है, मतलब कितना भी बोलते हैं उसके बाद वो बोलेंगे नहीं आपको. जब रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा आता है ना पेरेंट्स का, तो बच्चे बोलना बंद कर देते हैं. ठीक है, पहले वो बोलते रहेंगे कि मुझे इस स्ट्रीम में जाना है, मुझे इस स्ट्रीम में जाना है, मुझे इस स्ट्रीम में जाना है, बट लगातार वो आ रहा है रेजिस्टेंस कि नहीं आपको यहाँ पढ़ना है, आपको वहां पढ़ना है, इनसिक्योरिटी, पेरेंट्स की इनसिक्योरिटी की वजह से. ठीक है, तो ऐसे करना है, ऐसे करना है. तो अब बच्चे में उस वो हर बार जिंदगी में आगे जब डिसीजन मेकिंग करेगा तो वो शेकी रहेगा, यू नो, बिकॉज उसके डिसीजंस हमेशा पेरेंट्स ने बनाए थे और उनको तब लग रहा था कि फोर्स करके बनाए हुए, तो अब उनके भी तो सबकॉन्शियस माइंड की वायरिंग रीवायरिंग हो रही है ना, और गलत वाली रीवायरिंग हो रही है, दैट आई एम नॉट ऑनर्ड, माई डिसीजंस आर नॉट टेकन सीरियसली एंड मेरी कोई वैल्यू नहीं है, तो उसका डी वैल्यू का वो आ जाएगा एंड दैट इनसिक्योरिटी उस बच्चे में हमेशा के लिए प्लांट हो जाएगी. इसीलिए आप ये देखो कि ये बच्चे के लिए आप फीस मैनिफेस्ट कर रहे हो, मनी मनी कर रहे हो कि उसको आप बेस्ट कॉलेज में डालो, बेस्ट यूनिवर्सिटी में भेजो जो भी वर्ल्ड की है, और जहां वो अच्छे से रहे, इतना पैसा कि आप उसको बहुत अच्छे से फंड कर पाओ, जहां स्ट्रगल नहीं है, और उसको वो, तो वो मनी मैनिफेस्ट करना वो आपकी ड्रीम है. ठीक है, तो पैसा आप ही मैनिफेस्ट कर रहे हो ना इस तरह से. दिस इज हाउ, दिस इज व्हाट आई वाज ट्राइंग टू से. और बार बार रोंडा वन इसमें लिख रही है योर ड्रीम्स. हाँ जी. इफ यू वांट टू ट्रेवल देन राइट डाउन द डिटेल्स ऑफ द कंट्रीज यू वांट टू विजिट, हाउ लॉन्ग यू वांट टू ट्रेवल फॉर, what you want to see and do, where you want to stay, and the means by which you want to travel. If you want a perfect partner, then write down every detail of the characteristics you want that person to have. If you want improved relationships, write down the relationships you want to improve and what you want them to be like. If you want more health or an improved bodily condition, be specific about that ways you want to improve your health or body. If you want a dream home, then list every detail of what you want the home to be, room by room. If there are specific material things you want, like a car, clothes, or appliances, write them down. If you want to achieve something, such as passing an exam, getting a degree, a goal in sports, succeeding as a musician, doctor, writer, actor, scientist, or business person, or whatever it is you would like to achieve, write it down and be as specific as possible. I would strongly urge you to find the time to maintain a list of your dreams throughout your life. Write down the little things, the big things, or what you want this moment, this month, or this year, as you like of more things, add them to do list. Sorry, as you think of more things, add them to the list. And as you receive things, cross them off the list. An easy way to do a list or what you want is to divide it into categories of health and body, career and work, money, relationships, personal desires, material things,
and then just add the things you want to each category. When you get clear about the things you want, you are giving a definite direction of the way you want gratitude's magical power to change your life. And you are ready to begin the most exciting and thrilling adventure you are ever been on. You have ever been on. So this is what it is. Dream list हमको बनानी है, आपको categories में बनानी है, 10 ही तो ना, मतलब कोशिश करो कि आप 10-15 जितनी भी आपकी है dreams वो आप लिख लो, और कोई लैंग्वेज की स्पेसिफिकेशन नहीं है इसमें, किस तरह से लिखना है इसमें से हम टॉप 10 चूज करके चैप्टर नंबर 13 में लिखेंगे, बिकॉज 13 ऑनवर्ड्स वी विल वर्क ओनली ऑन द ड्रीम लिस्ट, जो टॉप 10 डिजायर्स है, एंड देन वी विल री राइट देम इन अ स्पेसिफिक मैनर. People who have been into this journey before, they have to edit their dream list. I have edited mine already in the Brahmurat today. I have edited my list already. Aaj maine apne dream list pe kaam kar liya hai. Because obviously, nye desires to crop up hote hi hai na. Dheere dheere priorities change hoti hai. Jaise jab tak aapke bachche school mein hai, tab tak aap college admission ke baare mein aise nahi sochte ho. You don't want to manifest money. Till then, you don't want to manifest money. जब तक आपकी उम्र में भी 25-30 इयर्स हो जाती है, उसके बाद आप पार्टनर के लिए लिखते हो दैट आई वांट अ परफेक्ट पार्टनर जिसमें ये क्वालिटीज हैं, है ना, तब तक आप नहीं लिखते हो. तो डिजायर्स लगातार चेंज होती रहती हैं, और प्रायोरिटी पे अलग अलग चीजें अलग अलग लाइफ के टाइम पे इंपॉर्टेंट होती हैं, है ना. सपोज आप किसी की हेल्थ के लिए आपने लिखा हुआ है दैट आई रियली वॉन्ट टू सी यू नो वट एवर, सो या आपको ब्रेक डाउन है, मे बी आपको माइग्रेन्स और वो सब होते हैं, नाउ यू वॉन्ट योर परफेक्ट हेल्थ, ओके, दैट कैन रियली एंजॉय एंड यू हैव फ्रीडम टू चूज, उस तरह की हेल्थ चाहिए दैट योर बॉडी इज एजाइल एंड सपल और वट एवर. ऑब्वियसली वो डिजायर जब आपका हो जाएगा पूरा, तो फिर कभी कभी प्रियोरिटी दूसरी आ जाती है कि ठीक है अब मेरा हेल्थ बहुत अच्छा है, ठीक है, नाउ आई कैन थिंक अबाउट समथिंग एल्स. सो इसलिए एडिटिंग लगातार चलती रहती है, प्रियोरिटीज के हिसाब से और ज्यादा डिजायर्स आपके इलैबोरेट हो जाते हैं, या प्रियोरिटी पे कभी ऊपर कोई चीज आ जाती है, मे बी लाइफ में कुछ ऐसा ब्रेकडाउन आता है, सडनली किसी का कोई प्रॉपर्टी डिस्प्यूट शुरू हो गया, अब वो आपकी ड्रीम लिस्ट में आना चाहिए ना, दैट अ वेरी एमिकेबल एंड पीसफुल रेजोल्यूशन ऑफ द प्रॉपर्टी या जो भी पर्सन है जिसके भी साथ में जो चल रहा है, तो वो अब आ गया, पहले तो नहीं था ना ऐसी सिचुएशन. इसलिए एडिटिंग बहुत जरूरी है, हर चीज एक नई फ्रेशनेस के साथ करनी चाहिए, है ना. सो लाइफ आप आज आप सोचो दैट यू हैव अ ह्यूज कैनवस विच इज खाली विच इज ब्लैंक, उस पे आप लिखना शुरू करो, स्टार्ट लाइफ अफ्रेश, ओके, बिल्कुल खाली. इट इज सेड लाइक दिस ओनली, नित्यशांति ऑल्सो यूज टू से दैट लाइफ इज अ कैनवस. Okay, you script your life there. Pick up the pen in your hand and write the script of your life. Your dreams, whatever you want to achieve in life. No matter aap kahan pe ho. Ho sakta hai aapke paas abhi 50,000 rupay bhi account mein nahi ho. Lekin aapko jaldi se 50 lakh chahiye. Aap usko dream list mein. Par wo believable hona chahiye. Dekho, aisa bhi nahi hona chahiye. Aapko lage ki, are ye to, matlab mere paas kaise aayenge. Agar how mein aapka dimag ja raha hai na, aap phans gaye ho ab. ठीक है, हाउ में सोचना नहीं है. अगर ब्लॉक्स आ रहे हैं कोई बात नहीं, आप 50 लाख के लिए मत लिखो, आप 5 लाख के लिए लिख लो. 5 लाख आपको बिलीवेबल लग रहा है, आप 5 लाख के लिए लिख लो. 5 भी आपको बहुत बड़ा टारगेट लग रहा है, आप 2.5 कर दो उसको, 2.5 लाख एवरी मंथ. और जब वो अचीव हो जाएगा, अब अपने आप आपके लिए वो बिलीवेबल हो जाएगा, अब आपके लिए 10 लाख भी बहुत ईजी हो जाएगा. सो यू कैन ऑलवेज डू दैट टू ईच देयर ओन. हम सबकी अपनी इंडिविजुअल जर्नी है, अलग थॉट प्रोसेस है, अलग बैकग्राउंड है, ठीक है, अलग एक्सपीरियंसेस है, जिसके कारण मेंटल फ्रेमिंग हमारी अलग तरीके से हो रही है, एंड दैट्स हाउ इट वर्क्स. सो इसीलिए आप देख लो आपके लिए कैसा लगता है जो कंट्रीज ट्रेवल करने हैं. हो सकता है आपको मतलब बहुत बड़े इटली स्पेन नहीं जाना, आपको ऋषिकेश जाना हो, ठीक है, वो अभी आपके लिए चैलेंज, क्योंकि अभी आप निकले ही नहीं हो, तो आपके लिए ऋषिकेश भी बहुत बड़ी बात है, तो आप ऋषिकेश लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है. आपको गोवा जाना है, आप गोवा लिख लो. सो आपको इंडिया में बिल्कुल ही घर से, घर में फ्रीडम चाहिए, मे बी आपकी डिसीजन मेकिंग की कोई फ्रीडम नहीं है अभी, तो आपको चाहिए क्या, दैट आई वॉन्ट दैट यू नो दिस लव एंड सपोर्ट ऑफ एवरी मेंबर ऑफ द फैमिली दैट इनेबल्स मी टू चूज माई डिसीजंस यू नो विद ईज एंड विद जॉय एंड विद एवरीबडीज अग्रीमेंट. आप वो लिख दो, अब आपके पास डिसीजन मेकिंग की एबिलिटी आ जाएगी. आपको अपना बॉडी वेट कम करना है, आप वो लिख दो.
that to reduce. Language कुछ भी हो सकती है, आई वॉन्ट टू ऐसे करके भी आप लिख सकते हो या टू से भी शुरू कर सकते हो. That to get my body weight to 54 kilos, 52 kilos, or whatever it is for you, whatever works for you. So, उस तरह से उसको body weight का उसमें डाल दो. अगर आपको toning बहुत अच्छी चाहिए, ठीक है, आपको लगता है आपके hips बहुत broad है, आप लिखो to have very nice shape of my hips, ठीक है. So, इस तरह से आप लिख लो. तो अब आपको पता भी नहीं, आपको लगेगा ये कैसे हो सकता है, ये तो मेरी हड्डियां ही ऐसी है, ये तो genetic है, मेरी खानदान में सबके हिप्स बहुत ब्रॉड है. अगर आपको ये वाला वो आ रहा है, हाउ में मत जाओ. आप लिखो तो सही, आप लिखोगे मैंने अपने एक्सपीरियंस में लोगों की बॉडी ट्रांसफॉर्म होते हुए देखी है. आई कुडंट इवन बिलीव दैट दिस पर्सन हैज गेन्ड हाइट, यू नो. सो वन ऑफ द पार्टिसिपेंट्स डॉटर, शी वॉन्टेड टू गेन हाइट, तो वो रोज ये लिखती है. That thank you universe, that each time I sleep, you know, my height's gradually increasing. Can you believe it? Itna chota bachcha hai wo, matlab 15-16 saal ka. She's writing this, that each time I'm sleeping, you know, I'm gradually gaining my height. So is tarah se wo to ye nahi soch rahi hai ki kaise hoga, kya hoga. लोगों ने इतने सारे अपने बहुत शॉर्ट हेयर को बहुत लॉन्ग किया है, बिल्कुल डाइंग ड्राई रफ हेयर को बहुत सुंदर बनाया है, बिल्कुल किडनी और लिवर एकदम ज्यादा जा रहा है, यू नो, धीरे धीरे उससे वो रिवाइव एंड बैक टू परफेक्ट हेल्थ हो गए. मतलब ऐसे ऐसे मिरेकल देखे हैं, आपको सीक्रेट मूवी में पता लग जाएगा, आप उसको कभी देख लो. आई थिंक प्रिया ने डाली भी थी ग्रुप पे यूट्यूब पे. ओके, आई डोंट नो इफ यू रियली सीन इट, इट्स नॉट इवन अ वेरी लॉन्ग मूवी, इट इज जस्ट 1 hour 20 minutes. So you do these two things today. First, watch the secret movie if you can, 1 hour 20 minutes dedicatedly, and make your dream list, which is the assignment for today. Okay. And once you have made your dream list in whatever language you have made your dream list, you will see that the moment you put it down, you know, writing has a power, a lot of power. So when you get very clear about क्या आपको क्या चाहिए ज़िंदगी में, आपको यूनिवर्स से डेफिनेट डायरेक्शन मिलना शुरू हो जाएगा. एंड यूनिवर्स गेट्स बिजी कंस्पायरिंग थिंग्स सो दैट योर ड्रीम्स आर अचीव्ड. ओके, बिकॉज दैट ग्रैटिट्यूड्स मैजिकल पावर को हम यूज कर रहे हैं अपनी जिंदगी बदलने के लिए. एंड दिस जर्नी इज गोइंग टू बी सुपर एक्साइटिंग एंड थ्रिलिंग एडवेंचर. वाई एडवेंचर? बिकॉज जैसे अगर आप किसी वो ड्रैगन ट्रेन पे बैठे हुए हो, उसमें ऊपर नीचे जा रही है, इधर जा रही है, उधर जा रही है, एंड यू आर लाइक ये वो ये यही सब चलता रहेगा आपका, कभी कभी नीचे भी जाएगी, ठीक है. लेकिन आप तो ग्रैटिट्यूड की जर्नी में, आपको पता है नीचे जाएगी तो मुझे अपने आप को उठाना कैसे है. तो थैंक यू बोल दो उस सिचुएशन को और बाकी सब चीजों को उसके अराउंड, एंड यू विल कम अप अगेन इन योर लाइफ. एंड दैट इज हाउ इट वर्क्स. ओके, सो यू विल रिमेम्बर दिस जर्नी. दिस जर्नी इज एक्चुअली वेरी इंटरेस्टिंग. So yeah, thank you Ritu so much for reading and healing your body so fast and following the practices, and wish you the best of health. Thank you. So we go to the next book, which is Power of the Sub. Deepa ma'am's birthday. Oh, Deepa's Gupta. Yes ma'am. Deepa Gupta. Happy birthday Deepa. We are going to sing you a song. Thank you ma'am. Thank you so much. God, thanks to everybody. All your dreams and desires to be, you know, all your dreams and desires would be fulfilled this year. But one question, ma'am, and same to you. Yeah. Happy birthday, Deepa. Thank you so much. Matlab, today is my son's birthday also. He's Rishabh, and younger son. Okay. So we both have shared our birthday. So Deepa and Rishabh, very, very happy birthday, and wish you a spectacular life. पिछले हमने मैजिक क्लास पूरी खत्म कर ली, अब वो जो पहले लिखा था हम लोगों ने उसी को फिर रीराइट कर ले क्या? अगर आपके इस एक महीने के दौरान में कोई नए ड्रीम्स या डिजायर्स या प्रायोरिटीज अगर आ गई हैं, तो आप उनको ऐड कर लीजिए. ओके. हाँ, क्योंकि कई बार होता है ना, कुछ नई प्रायोरिटी आ गई है, लाइक सडनली आपको मतलब घर बदलने का टाइम आ गया है, या सपोज कुछ ऐसी चीज है, आपको लग रहा है कि आपके हेल्थ में कुछ चैलेंज आ गया है, आपको अब वो ठीक करना है, आपको सडनली रियलाइज हुआ कि नहीं मुझे तो अपना वजन घटाना ही है, आपको ये रियलाइज हुआ है, या फिर कुछ और चीज है, सपोज आप जिम ज्वाइन करने की कोशिश कर रहे हो और नहीं हो पा रहा है,
यू नो जैसे टोनी रॉबिन्स बोलते हैं ना दैट करेज इज रिक्वायर्ड ओनली टिल गेटिंग देयर वंस यू आर इन द जिम इट्स ओके. तो हर चीज में ये लाइफ में है. तो जो आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ चीज आपको करनी चाहिए आपने नहीं की है या आपको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना है लेकिन नहीं समझ आ रहा है कि मैं क्या करूं मेरे पास घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं तो हम हाउ में चले जाते हैं. ठीक है तो वो आप लिख लो कि मैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनना चाहती हूँ. यू नो मैं अपना हेल्थ बहुत अच्छा करना चाहती हूँ मेरे घुटने बहुत आराम से काम करें ऐसे करें कि मैं जमीन पे बहुत आराम से बैठ पाऊँ. यू नो या मैं योगा क्लास करना चाहती हूँ या मैं कोई कोर्स करना चाहती हूँ या मुझे इतने पैसे रिसीव करने हर महीने मेरे घर का माहौल बहुत ज्यादा लविंग और हारमोनियस हो और सब मुझे सपोर्ट करें मेरे सारे काम में. तो इस तरह के ड्रीम्स कई बार नए नए आ जाते हैं. तो आप एक बार आराम से शांति से बैठना और आप सोचना कि आपको जिंदगी में अभी कैसे मीनिंग ऐड करना है और अपना पर्पस फुलफिल करना है और उस हिसाब से आप अपनी ड्रीम लिस्ट को एडिट कीजिए या फिर आप उसमें नई चीजें ऐड कर लीजिए. ठीक है और अगर आपको लगता है नहीं जितने मैंने लिखे हैं वो ही हैं उसके अलावा मुझे लाइफ में कुछ भी और नहीं चाहिए अभी तो वो भी ठीक है. ठीक है ओके थैंक यू. सो वी कैन मेक ऑल टुगेदर अ न्यू ड्रीम लिस्ट आल्सो ऑफ कोर्स All together, they have, that will bring a lot of यही सोचो कि आप life एक free canvas है खाली canvas है उस पे आप paint करना शुरू करो अपनी sketching करना आज से जो आपको चाहिए. I want to ask one thing. Yeah. Is it what do you advisable to write on sheets each time when you do the magic book or maintain a diary for your dream list? Oh, so I write as a soft copy on my laptop. In my folder, so that's what I do. But wo jo 10 hai, on day number 13, we are going to refine the language of these. And out of these 14, 15, 20, we are going to pick up the 10 topmost ones that we have right now. And we will rewrite them. So that Rhonda Byrne says that should be written on a piece of paper and to be kept handy with you all the time, whether in a wallet or purse or wherever. So that we will do then, the writing thing. But whatever it is, I mean, this list has to be there. If you write it in your gratitude journal finishes and we put it in the raddi and then it goes into trash. Okay, so we no point writing it. I mean, you can write it on a piece of paper if you are a writing person. But yeah. If you have any kind of a software where you want to write on a Word file or you want to put it in an Excel, you know, whichever way you want to write, but it has to be preserved with you. It cannot get into trash. I mean, it has to be there with you till day 13, you know, and even otherwise that. So you work out as to what works for you. Okay, all right. Thank you. Okay. Okay. So now we go to, we are talking about the chapter success. और सक्सेस में द मेजर ऑफ ट्रू सक्सेस क्या होता है ये हम पढ़ेंगे. सो यस नीति प्लीज रीड. आर यू देयर ऑन द कॉल? एनीवन एल्स हु वांट टू रीड? आई विल रीड. मीतू ओके मीतू हाँ पढ़ो आप. The measure of new success, true success, some people may say, but Mr. James made a fortune in selling fraudulent oil stock. A man may seem to succeed for a while, but the money he obtained by fraud usually takes wings and flies away. When we rob from another, we rob from ourselves because we are in a mood of lack and limitation, which may manifest itself in our body, home, life, and affairs. What we think and feel, we create. We create what we believe. Even though a man may have accumulated a fortune fraudulently, he is not successful. There is no success without peace of mind. What good is man's accumulated wealth if he cannot sleep nights, is sick, or has a guilt complex? Yeah, so true measure of success ये भी होता है कि आपने success वो कमाई कैसे है किसी और को trouble करके, क्योंकि आपकी खुशी कभी भी किसी और की unhappiness पे based नहीं हो सकती है.
अगर आपने फ्रॉडुलेंट तरीकों से पैसा कमाया है, व्हाट इज द पॉइंट ऑफ दैट? बिकॉज आप गिल्ट में ही मर जाओगे, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे हर पर्सन का एक मॉरल होता है, यू नो, जो उसको गाइड करता है कि आपने गलत किया है. पता होता है, लेकिन पैसे का लालच इतना ज्यादा होता है दैट आप गलत तरीके से पैसा ले रहे हो, कमा रहे हो, यू नो, इस तरह से. सो दैट मीन्स दैट अगर नींद नहीं आ रही है रात को, हेल्थ खराब है, लेकिन पैसा आता जा रहा है. Okay, so what is the point of that? So it says that that is not called success. Okay, that success will come, but it will go the way it had come. Hanji. I knew a man in London who told me of his exploits. He had been a professional pickpocket and had amassed a large amount of money. He had a summer home in France and lived in a royal fashion in England. His story was that he was in constant dread of being arrested by Scotland Yard. He had many inner disorders, which were undoubtedly caused by his constant fear and deep-seated guilt complex. He knew he had done wrong. This deep sense of guilt attracted all kinds of trouble to him. Subsequently, he voluntarily surrendered to the police and served a prison sentence. After his release from prison, he sought psychological and spiritual counsel and became transformed. He went to work and became an honest, law-abiding citizen. He found what he loved to do and was happy. तो डॉक्टर माफी की बुक में बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे लाइफ के रियल एग्जाम्पल हैं. तो ये रियल एग्जाम्पल है. There was a person जो लोगों के पैसे उनके वॉलेट से चुराता था. Can we please mute ourselves अगर कहीं से वो आ रहा है तो. So वो pickpocket करता था, वो पैसे कहीं से चुराता था और इस तरह कर करके उसके पास बहुत ज्यादा पैसा आ गया, रिच हो गया एंड उसने फ्रांस में समर होम खरीद लिया और बहुत रॉयल तरीके से वो इंग्लैंड में रहता था. ठीक है, मतलब लोगों के पैसे चुरा चुरा के, ही वाज अ पिक पॉकेट, मतलब जो लोगों के वो वॉलेट्स चुराते हैं और उनके जेब से पैसे चुराते हैं. ठीक है, तो लेकिन उसको पूरे टाइम वो फियर में रहता था क्योंकि उसको पता था कि पुलिस मुझे पकड़ लेगी. बिकॉज ये तो रहेगा ही ना कि पुलिस मुझे पकड़ लेगी. वो फियर के कारण, कहते हैं ना आपके इमोशंस जो होते हैं वो बीमारी के रीजन होते हैं. अगर बॉडी में कोई भी बीमारी होती है ना, तो हमको अपना कौन सा वाला इमोशन हम फील कर रहे हैं, सारे वो बिलो द लाइन वाले इमोशंस होते हैं वो फील कर रहे हैं. तो इस पर्सन का फियर एलिमेंट था, गिल्ट नहीं था इसको. ये बड़ा वो खुश हो गया, अपना चोरियां करता था हर जगह पे, गिल्ट नहीं था उसको, फियर था कि मैं पकड़ा जाऊंगा. ठीक है, तो वो फियर जो कॉन्स्टेंट रहता था उसको, उसकी वजह से उसको बीमारियां हो गई और फाइनली बिकॉज मन में तो था ही कि पुलिस पकड़ लेगी मुझे, स्कॉटलैंड यार्ड वाले आके पकड़ लेंगे, है ना. तो उसको पूरे टाइम था कि कॉप्स मुझे पकड़ लेंगे और एक दिन ऐसा ही हुआ, उसको वो पकड़ में आ गया, मतलब पुलिस ने पकड़ लिया और उसको जेल में डाला और उसने पूरा जो अपना प्रिजन सेंटेंस है वो पूरा सर्व किया, जितने भी साल का था वो सब यहाँ पे मेंशन नहीं है. और उसके बाद जब वो जेल से वापस निकला, उसके बाद उसने स्पिरिचुअल साइकोलॉजिकल काउंसलिंग ली, बात की और उसके बाद वो चेंज होता गया. अब उसके पैसे के कमाने के तरीके मतलब सुधार हो गया, स्टार्टेड अर्निंग मनी इन द वाइज वे एंड देन ही स्टार्टेड हिज लाइफ अफ्रेश. उसने एक फ्रेश तरीके से अपनी जिंदगी शुरू की, वापस काम पे गया और उसने अपने आप को बोला दैट आई विल बी वेरी ऑनेस्ट नाउ. And he started working, you know, by becoming an honest, law-abiding citizen. Sare rules and regulation ke saath kaam karke. Aur finally, because of that attitude, ab wo person bahut achhe tarike se wo kaam kar, matlab kiya usne. And he is very happy with whatever he does. So this is one second on this. Ma'am, you know, I could not unmute myself. It's really surprising, but I could not unmute myself. A successful person loves his work and expresses himself fully. Success is contingent upon a higher ideal than the mere accumulation of riches. The man of success is the man who possesses great psychological and spiritual understanding. Many of the great industrialists today depend upon the correct use
of their subconscious minds for their success. Yeah, so ये बहुत जरूरी होता है that a successful person loves his work, never cribbing, which is opposite. मेरे पास इतना काम है, मेरे पास मुझे इतना travel करना पड़ता है, मेरा दिन रात का travel है, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, मुझे मैं हमेशा hotel से खाना खाती, मुझे नहीं अच्छा लगता, मुझे ऐसे अच्छा लगता है, मुझे सुबह सुबह उठना पड़ता है 3 बजे early morning flights लेने के लिए, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, मेरा इतना admin वाला काम होता जा रहा है, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, मुझे ये करना पड़ रहा है, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है. अगर हम इस तरह का काम करते रहेंगे दैट मींस यू डोंट लव योर जॉब, और वो जॉब वो वर्क जो भी बिजनेस है उसमें आप एकदम स्टीप डिक्लाइन देखोगे. अगर वाइनिंग शुरू कर दी काम को लेके, सो यू विल सी अ स्टीप डिक्लाइन इन द वर्क. यू नो वो सक्सेस आ भी रही है तो अब वो नहीं आएगी बिकॉज इतनी नेगेटिव एनर्जी उसमें भरी हुई है. तो इसलिए उसमें प्लीज रोशनी डाल दो. जो काम है, एक एक पर्सन जिसने आपको पैसा दिया है, एक एक पर्सन जहां से यू नो जिस भी तरीके से हु हैव कंट्रीब्यूटेड टू योर सक्सेस, वर्क में जो आपको फैसिलिटीज मिल रही हैं, उन सब के लिए व्हेन वी रियली बिकम ग्रेटफुल एंड वी स्टार्ट लविंग अवर वर्क, वी विल सी द सक्सेस कमिंग टू अस वेरी इजीली विद ईज एंड विद जॉय. ठीक है, सो ये बहुत जरूरी है. सो अ मैन ऑफ सक्सेस इज अ मैन हु पजेसेस ग्रेट साइकोलॉजिकल एंड स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग. उसको पता है, मॉरली पता है, साइकोलॉजिकली पता है दैट आई हैव टू कीप ओनली गुड इमोशंस फॉर माई वर्क नो मैटर हाउ बर्डन. हैव यू हर्ड एनी टाइम फॉर मी व्हेन 15 डेज आई एम लिविंग आउट ऑफ होटल्स. ठीक है, रादर आपको ये लगेगा मैं बहुत एंजॉय करती हूँ रहना. इट इज नॉट ईजी. लास्ट 10 साल से मैं ऐसे ट्रैवल कर रही हूँ फॉर वर्क. ओके, इवन टूडे आई एम ग्रेटफुल फॉर माई ट्रैवल्स. आई वॉज देन एंड आई एम टूडे. एवरी फ्लाइट दैट आई हैव टेकन आई एम ग्रेटफुल फॉर माई फ्लाइट्स. You know, even if it is 20 days, sometimes I take 4 flights in 1 week. You know, मतलब मैं 2 cities जाती हूँ अलग अलग, तो वो जाना आना फिर दूसरी सिटी में जाना आना. So there are 4 flights in a week. Okay. But still I'm grateful. I would never, I can't even think of complaining anything to do with my work. Nothing. Everybody in my, whenever people say like, you know, मेरा laptop का ये issue हो रहा है, मेरे phone का वो issue हो रहा है, मेरा ये, always say, oh my, I'm really lucky. Like, I'm God's favorite child. My laptop is the best. Okay, so we can actually, we totally, हमारा mindset होता है. Success इसी तरीके से आ रही है, आती है, जब आप हर एक चीज, and you put 100% to your work. ऐसे नहीं कि कन्नी काटना, easy way out. ठीक है? Deepak, 1 second. So it is like, so that is what defines a success. So इसीलिए इसमें लिखा हुआ है, many of the great industrialists today depend upon the correct use of their subconscious mind for their success, which also includes Mukesh Ambani, by the way. Okay, उनके यहाँ पे 24 घंटे शुक्राने का हवन होता है, जो उनकी जामनगर वाली फैक्ट्री है. 24 hours and pundits come in shift. और जाप क्या होता है? शुक्राना. ठीक है, ऐसे ही थोड़ी ना वो, मतलब कहाँ से कहाँ पहुंच गए द टॉप 5 इंडस्ट्रियलिस्ट इन द वर्ल्ड, नॉट जस्ट इन इंडिया. सो एंड ही इज कॉन्स्टेंटली एक्सपैंडिंग बिकॉज शुक्राने का हवन होता है उनके यहाँ पे. सो नो मैटर व्हाट पीपल से दैट उनका ऐसा है, ये है, वो है, बट बोथ हस्बैंड एंड वाइफ, यू नो नीता अंबानी एंड मुकेश अंबानी, यू नो द ग्रेस, द कंडक्ट दैट दे हैव, यू नो द वे दे पैम्पर देयर स्टाफ. उनके वहां से आप रिटायर हो जाते हो ना, सपोज 70 years के हो गए हो, तो आपको फिजिकली उनको लगता है कि नहीं है, सारी फैसिलिटीज मिलती हैं इवन आफ्टर रिटायरमेंट. वो जिस घर में रहते थे, सपोज कंपनी ने उनको घर दिया था, वो घर रहेगा उनके पास. ऐसा नहीं कि उनको एक्सपेक्ट करेंगे आप दूसरे घर में चले जाओ. तो उनके पास पैसा इसलिए आ रहा है बिकॉज दे डू अ लॉट फॉर अदर्स. जो उनका कोकिलाबेन हॉस्पिटल है, जो उन्होंने अपनी मदर के नाम से खोला हुआ है मुंबई में, उसमें गरीबों के फ्री में होते हैं, यू नो लाइक इलाज. उनसे कोई पैसा नहीं लिया जाता है, अगर जो बिलो पॉवर्टी लाइन वाले जो लोग हैं. सो दे डू अ लॉट फॉर अदर्स, यू नो लाइक हमको तो पता भी नहीं है उनकी जिंदगी में किस तरह से, बस ये हमको इंस्टाग्राम रील में दिख जाता है कि नीता अंबानी का 3 लाख का फोन है. वो पता भी नहीं है, अगर है भी तो खुश हो ना. आई मीन लाइक यू शुड फील 3 करोड़ का फोन है, तो 3 करोड़ में भी उसका कवर प्योर गोल्ड का होगा, है ना? बिकॉज फोन तो जितने दुनिया में है वो हमको पता ही है.
तो हो सकता है कि वो प्योर गोल्ड का कवर है और उस पे डायमंड्स लगे हुए हों और सबसे एक्सपेंसिव वाले सॉलिटेयर से लगे हुए हों. सो फील गुड अबाउट इट. दैट वाओ एलिमेंट हैज टू बी देयर इन योर लाइफ टिल द टाइम यू डोंट हैव दैट वाओ एलिमेंट. व्हेन यू सी समवनस मैग्नानिमस लाइफ वी विल नेवर बी एबल टू अट्रैक्ट दैट. यू नो इफ समवन हैज अ कार विच इज कॉस्टिंग इवन 10 crores, फील वेरी गुड अबाउट इट. वाओ दिस इज लाइक सो अमेजिंग एंड यू विल सी दैट यू विल अट्रैक्ट दैट कार टू यू. और आपकी गाड़ियों पे डेंटिंग में मतलब वो सब भी डेंट लगने भी बंद हो जाएंगे. मतलब दिस इज हाउ व्हेन यू गिव ग्रैटिट्यूड यू विल सी दैट यू अट्रैक्ट दैट थिंग. ओके सो दिस इज हाउ एवरीबडी यूजेस दिस सबकॉन्शियस माइंड फॉर सक्सेस. ऑल मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रियलिस्ट जो बहुत बड़े हैं यू नो देयर सक्सेस डिपेंड्स अपॉन द करेक्ट यूज ऑफ द सबकॉन्शियस माइंड. जो हम सीखा हमने पिछले बहुत सारे चैप्टर्स में वी हैव लर्न देम. वी हैव लर्न हाउ टू मेक मनी. That you just have to tell yourself wealth, success, you know, to keep repeating it for 5 minutes, 3 to 4 times in a day. Okay. And you will see the wealth and success keeps coming. And if we feel that money has to come from somewhere, suppose aapko lag raha hai ki property ke paise mere paas aa jane chahiye, ya uske ghar ke paise mere paas aa jane chahiye, ya mere parents mujhe paise de de, ya you know, like कोई भी कि आप आपको लगता है आपका हक है और मेरे पास पैसे आ जाने चाहिए. Then you're not trusting the law. Then you're not trusting the law. This is not the world of efforts. Please read Abraham Hicks' Ask and It Is Given. और उसमें पता लगेगा ये effort की दुनिया नहीं है. अगर किसी भी चीज के लिए आप effort कर रहे हो, effort is associated with struggle and lack. Okay, the word effort is associated with struggle and lack. So let things come easily to you with ease and with joy. Everything you have to keep telling to yourself, keep affirming to yourself that everything in my life comes to me with ease and effortlessness. So there is no, everything is easy and effortless. Everything in my life comes to me, you know, as easy and effortless. And you will see that your life will start becoming like that. So your self-talk decides about the outcome of your life. And this is what works with success and wealth, you know, and that's about it. And be very, very grateful. Go back. Agar phir bhi move nahi ho rahi situation aapki life mein, aapko past mein jaane ki zarurat hai. Aur kahan kahan pe aapne kisse paise liye, lotaye nahi hai. Ya phir unke liye gratitude kar do. Theek hai, abhi nahi lota rahe ho, aapko pata abhi nahi hai, aap un logon se touch mein hi nahi ho. Theek hai, at least aap gratitude to kar sakte ho na. So to your parents, अभी money वाला chapter आएगा, उसमें बहुत easy हो जाएगा. Magic money वाला है, फिर money magnet आएगा 9 पे, 5 पे magic money है, फिर 9 पे money magnet है, उसके बाद 16-17 पे magic check है. तो वो सारे अभी chapters आएंगे, तो हमारा money का karma permanently change हो जाएगा. ठीक है, provided we continue being grateful all the time. So that is how it works. And thank you so much, Meetu, for bailing us out. Thank you so much. Thank you. Drink some water. गरम करके. ओके लेट्स सी बाय. एंड थैंक यू एवरीवन फॉर योर गुड विशेस. या दीपा, विश यू अ वेरी वेरी सुपर डुपर हैप्पी बर्थडे. बिफोर दैट एनीवन वांट्स टू शेयर एनीथिंग? मैम आई वांट टू शेयर.